ऊपर वाले बस तेरा ही सहारा है। प्लीज मुझे हिम्मत दे, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि मेरे डैड यहां सेफ हैं, मैं नहीं जा सकती। सहरिये सही कहती हैं, उन्होंने मुझे आगाह किया था। उन्होंने कहा था बीमार पड़ने पर आप पागल हो जाते हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि परेशानी हो रही है? मुझे लगा बीमारी की वजह से, इसलिए मैं चुप हो गई। पर मुझे बात को नहीं बढ़ाना, इसलिए करीब नहीं आऊंगी। इसी बहाने कम से कम मुझसे दूर तो रहोगी। अमीर बेटा, तुम आ गए। रेहान नहीं आई, मुझे लगा तुम साथ में आओगे। मुझे नहीं पता, वो बिना बताए कंपनी से चली गई। डैड कैसे हैं? वैसे ही हैं। मैंने उन्हें खाना खिला दिया और दवाई भी दे दी है, वो सो रहे हैं। मैं किचन में जा रही हूं, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, थैंक यू, जाइए आप। काफी एटीट्यूड है उसमें। क्या ये कम था कि वो बिना कुछ कहे कंपनी से चली गई और अभी तक घर भी नहीं आई? उसे लगता है उसके सामने वही पुराना अमीर है। उसे लगता है कि मुझे उसकी चिंता होगी और मैं सड़कों पर उसे ढूंढते हुए घूमूंगा। लापरवाह कद्दू कहीं का, मदद करने का कोई फायदा नहीं। वो परेशान है। चलो छोड़ो, मुझे क्या करना, जाने दो। इस तीखी सब्जी ने तो मुंह जला दिया। मैं अब दोबारा कभी नहीं खाऊंगी। पर इतनी टेस्टी थी कि मैं पूरी की पूरी खा गई। पेट में जलन हो रही है अब। तुम्हें क्या हुआ है? डॉक्टर ने कोई बुरी बात कह दी क्या? अगर ऐसा है तो मुझे मत बताना, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है सहरिया, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने भी यही कहा है। शुक्र है ऊपर वाले का, वो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाती। मेरी तरफ देखो जरा, तुम दोनों की लड़ाई हुई है फिर से। जैसा कि आपने कहा था ना सहरिये, वो बीमार होता है तो बहुत बदतमीज हो जाता है। मुझे पता है, मुझे पता है इस बारे में। जब भी वो बीमार होता है वो ऐसे ही करता है, चिड़चिड़ करता है, बदतमीजी करता है। मुझे पता है उसकी आदत के बारे में, ऐसे ही करता है और गुस्से वाला भी। ये तो बहुत बुरी बात है, अपने पति को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो फिर आप उसके बारे में इतना क्यों बोल रही है सहरिये? मैंने ये क्या कर दिया, मुझे लगा इन दोनों के बीच सब ठीक है, पर मैंने तो इसे उसके खिलाफ भड़का दिया। नहीं नहीं, अंदर से मेरे बेटे का दिल सोने जैसा है। वो बहुत ही दयालु और हीरे जैसा है, पर जब बीमार होता है ना तो उसे
पता नहीं क्या हो जाता है, वो बस थोड़ा बीमार है, उसे संभाल लो। तुम्हारा पति है, तुम नहीं संभालोगी तो और कौन संभालेगा? मैं चाहती हूँ इस घर में खुशहाली रहे। अगर वो ठीक हो जाए और हम सब बच जाएं। अरे ऐसा मत कहो, एक औरत अपने पति के मुश्किल समय में उसका साथ देती है, तुम्हें भी यही करना चाहिए। तो उसे मुझ पर चिल्लाने कहा किसने दिया? बेकार आदमी। फोन तो बज रहा है पर जवाब नहीं दे रही। ऊपर वाले कुछ हो ना गया हो, उसे हर मुसीबत से बचाए रखना। क्या मैं जाके आमिर से बात करूं? मेरी बच्ची, बेटा क्या हुआ तुम्हें? अंदर आओ, हाथ कितने ठंडे हैं, तुम इतनी देर तक कहाँ थी? बड़ी मुश्किल से सब संभाल रहा हूं। चलो ये भी अच्छा ही है कि तुम मुझसे दूर हो। लगता है मैंने कुछ ज्यादा कह दिया कि तुम दूर हो। आखिर इसकी गलती क्या थी? इसने जो भी कहा वो सच ही तो था, ये सिर्फ मेरी मदद ही तो करना चाहती थी, और क्या। कद्दू कहीं का, मैं यकीन से कह सकती हूँ ये बिना दवाई लिए ही सो गया होगा। क्या टाइम हो रहा है पता है? मैंने रुकने कहा था ना तुम्हें, सुनाई नहीं दिया। बिना कुछ कहे क्यों गई और कहां थी कहां तुम इतनी देर तक? तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है? क्या चाहती हो तुम? तुम एक चीज भूल रही हो कि अब तुम मुझे अपनी चुप्पी से तकलीफ नहीं दे सकती। मुझे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है।
पहाड़ में जाओ तुम। मुझे पता भी नहीं करना कि तुम इतनी रात तक बाहर क्यों थी। समझ गई तुम? क्योंकि अब तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हो, कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए। अगर तुम्हें यहां रहना है तो यहां के नियम मानने होंगे। कोई भी बिना बताए इतनी रात तक घर से बाहर नहीं रह सकता, समझ गए? ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी चेतावनी है। तो ध्यान रहे कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत प्यारी हो। तुम अपनी मम्मी से इससे दूर हो गई हो क्या? घबराओ मत, घबराओ मत। तुम तो बहुत डरी हुई हो। यहाँ आओ मेरे पास। तुम्हें भूख लगी होगी ना? आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ, ठीक है ना? पता नहीं कितने देर से भूखी होगी। तुम भी मेरी तरह बिल्कुल अकेली हो, मेरी तरह भटक गई हो। तुम्हें पता नहीं क्या करना है। तुमसे बात करने वाला यहां कोई नहीं है। मैं तो लोगों के बीच रहती हूं, तब भी कोई बात करने वाला नहीं है। अपनी मां को खो दिया है, अपना गांव छोड़ा, अपनी जगह छोड़ी, अपना घर छोड़ा और यहां आ गई। बहुत मुसीबतों का सामना किया है मैंने, पर उन सब ने मुझे कभी इतना दुख नहीं दिया जितना मुझे वो नजरें करती हैं जो हमेशा गुस्से से मुझे देखती हैं। ने कहा कि तुम चली क्यों नहीं जाती? तुम अभी भी यहां क्यों हो? अब मैं क्या कहूं? मैं यहां से कैसे जा सकती हूं? यहीं रहकर आपकी नफरत झेलनी होगी। नहीं जा सकती मैं।
क्योंकि डैड को मेरी जरूरत है। मुझे ये पता लगाना है कि डैड की यह हालत आखिर कैसे हुई और उस इंसान को सजा दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। लेकिन उससे पहले यहां से नहीं जाऊंगी। बस इतनी सी बात। देखो ना, मैं समझ ही नहीं पाई, चाहे कंपनी में कुछ भी हुआ हो, मैं तो यही कहूंगी कि उसे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। एमर को उसकी परवाह नहीं है, वो बस उसे परेशान करना चाहता है, बात बात पर उसकी इंसल्ट करने के बहाने ढूंढता है। तुम वहां होती तो कितना अच्छा होता। अब इस घर में उस लड़की की औकात सिर्फ एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे तो अभी यकीन नहीं होता जावेदा आंटी, ये सब तो कोई जादू जैसा लग रहा है। मैंने कहा था ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बाय द वे, उस दिन के लिए आई एम सॉरी। मैंने कहा कि आपके प्लान्स बेकार होते हैं, पर देखा जाए तो आपका प्लान ही काम किया। कोई बात नहीं जेमरे, अब पुरानी बातों को भूल जाओ। हम दोनों ने मिलकर बहुत बुरा वक्त देखा है, पर अब हमें मिलकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारा प्लान जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाए। तो क्या मतलब है आपका? जब एमिर रेहान को नहीं दिखेगा और जब वो अकेला होगा, तब तुम्हें मौके का फायदा उठाना है, उसका और ज्यादा ख्याल रखो, उसे उन दिनों की याद दिलाओ जब उसकी शादी नहीं हुई थी। आप फिक्र मत कीजिए जावेदा आंटी, मैं सब संभाल लूंगी। कैथार्सिस, 10 लेफ्ट से राइट की तरफ फिबुला। मैं तो ये सॉल्व कर रहा था। ठीक है, सबसे ज्यादा तुमने ही किया है, जो मैंने बताया वो लिख दोगे तो पूरा हो जाएगा। अपनी दवाई लो और सो जाओ।
हालांकि अच्छे से बोल भी नहीं पाती है, पर इसे पता है कैथरेसिस फिबुला के बारे में। हालांकि थोड़ा अजीब है, क्या इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है? दीदी। गुड मॉर्निंग ज़ैनब। इसे रूम में ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। आराम से खाना। हम बेटा, तुमने नाश्ता किया? मैं कर लूंगी मिसेस मेलिके। बेटा देखो, फिकर के मारे हम पूरी रात नहीं सोए। तुम्हारी हालत खराब लग रही थी, मैंने तुमसे सब इसलिए पूछा ताकि तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बता सको। क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं हुआ मिसेस मेलिके, मैं अपना बैग भूल गई थी इसलिए पैदल वापस आना पड़ा मुझे। बेटा तुम टैक्सी से क्यों नहीं आई? पैसे हम दे देते ना। नहीं कोई बात नहीं मिसेस मेलिके, हमारी बात अधूरी रह गई थी। आप मुझे उस दिन के बारे में बता रही थी ना? मिस्टर हिकमत जब घर आए थे तो बहुत दुखी थे, बहुत निराश थे, उनका बीपी बहुत ज्यादा था, उन्हें चक्कर आ रहे थे, लगा कि वो गिर जाएंगे। क्या उसे और भी कुछ हुआ था, कुछ भी अलग जो आपको ध्यान हो? मिस्टर हिकमत के बेहोश होने से पहले मिसेस जाविदान से उनकी बहस हुई थी। उनकी बहस हुई थी? पर ये लड़ाई रोज की लड़ाई जैसी नहीं थी, उनकी आवाज किचन तक आ रही थी और जब वो गुस्सा हुए तो शायद उनका बीपी बढ़ गया था। मतलब उनकी मिसेस जाविदान से लड़ाई हुई थी? हाँ बेटा यही हुआ था। मैं वहां पहुंची तो वो गिरे हुए थे, सर पर चोट थी, बस इतना ही जानती हूँ। ठीक है, थैंक यू। हिकमत की सिचुएशन मुझे पता है, अब उनकी हर चीज का ख्याल मैं ही रख रही हूँ। नहीं नहीं, अमीर दूसरी चीजों को लेकर बहुत परेशान है। हाँ, हिकमत का जो भी पैसा आता है वो मेरे अकाउंट में आएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर डैड को पता चला तो उनकी हालत, और अगर एमिर और सुना को पता चला तो वो टूट जाएंगे। आकर बहुत सी मुसीबतें झेली हैं, पर इन सब ने मुझे उतनी तकलीफ नहीं दी जितना कि उनकी नफरत भरी नजरों ने। तुम इस तरह क्यों देख रही हो?
ये अजीब सा चेहरा बनाने का क्या मतलब है जान सकता हूं? हर चीज के पीछे एक वजह होती है। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुस्सा, तुम ही समझ सकती हो। मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो आजाद कैसे? उसने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, तुमने प्रोसिक्यूटर से बात की, क्या मतलब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? उसने मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की है, और मसल अकेली नहीं है जिसे मुझे तलत से बचाना है, नारिन की जिंदगी भी खतरे में। इसे नारिन से क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मुझे खबर देते रहना। तुम कब आए? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। मैं बस अभी आई। एक्चुअली आपको देखकर सरप्राइज हूँ, मुझे लगा आप कुछ दिन और घर रहेंगे। काम इंतजार नहीं करता यूं जा। आप सही कह रहे हैं, आप में बहुत डिसिप्लिन है जो मुझे अच्छा लगता है। ये क्या है? मैंने इसमें से सारी गलतियां सुधार दी हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। पैसे हैं, मुझे अलाउंस नहीं चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करना, ऊपर वाला तुम्हारा साथ है, अपना ख्याल रखना। थैंक यू दीदी। क्या आप तैयार हैं? रियान दीदी, जब तक मैं आऊं तब। मैं समझ गई, तुम फिक्र मत करो, मैं उस बिल्ली को खिला दूंगी। थैंक यू रियान दी, आप बहुत अच्छी है। एक मिनट। मेरे साथ चलो। यहीं रुक जाओ। अब आप क्या करना चाहते हैं अमीर? ये रख लो। ये क्या है? तुम्हारी सर्विस की पेमेंट। ये उतनी है जितना तुम डिजर्व करती हो। तुम्हारा बस शुक्रिया अदा करना चाहिए।
क्या वो अभी भी गुस्से में ही होगी? कॉल करना चाहिए? नहीं, मैं दूर रहूंगा, यही अच्छा है। ट्रायल के बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। तुम ये भूल गए थे, एमिर, एमिर, कहाँ जा रहे हो तुम? कंपनी जा रहा हूँ। कंपनी के अलावा भी कुछ सोचा करो, कभी तो अपने लिए भी टाइम निकाल लिया करो। हाँ, किसी को तो काम करना ही होगा ना। अच्छा रुको, एक मिनट रुको। तुंजा का कॉल आया था, वो बहुत मिस कर रहा है हमें। उसने कहा कि हमें मिलना चाहिए। तुम चलोगे ना मेरे साथ एमिर? जेमरे, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आऊंगा। मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। लेकिन जेमरे, मेरे पास बहुत काम है और मुझे जाना है। कब तक मुझसे भागोगे मिस्टर एमिर? हेलो तुंजा, हाउ आर यू? बहुत दिन हो गई थी ना हमें बात किए। हाँ देखो, तुम्हें पता है क्या समय हो रहा है? ये क्या है? 5 मिनट बाद तुम्हें दवाई लेनी है। मैं तो ये सोच रही थी कि घर पर पड़ी दवाइयां तुम कैसे लोगे? नहीं तो। और तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो, ये तुम्हारा काम के साथ कैसा प्यार है? ऊपर वाला बचाए, तुम्हें तो पता ही है तुम्हें आराम करना है। तुम ठीक तो हो? तुम्हें एक ही बात और कितनी बार कहनी पड़ेगी, पैर सीधा रखो ना। तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, बहुत जिद्दी हो तुम, समझते क्यों नहीं? तुम्हें अपना पैर ऊपर रखना होगा, इसे स्ट्रेच करके रखो, समझ गए ना? अगर ऐसा नहीं किया ना तो रात में तुम्हारा दर्द और बढ़ जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा? मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ, तुम्हारी इजाजत है? मिस्टर कैमल, बाहर आकर लड़ो मुझसे। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पते पर आ जाओ। वादा करता हूं, सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई नहीं होगा। मैंने आपको तकलीफ दी इसलिए ऐसा कर रहे हैं? आपको नहीं पता और ना कभी पता चलेगा कि मुझे आपसे भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। बहुत तकलीफ है। ऊपर वाले मुझे हिम्मत दे। हम दोनों को ये दर्द सहना ही होगा। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि डैड के साथ क्या हुआ था, उनकी ये हालत किसने की, मैं कहीं नहीं जा सकती।
फोलाट लिखा है। आदमी तो बिल्कुल पागल है। अगर कद्दू ने मैसेज देख लिया तो पागल ही हो जाएगा और किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारा पैर कैसा है? मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। तुम घर जा सकती हो? ठीक है, तुम्हारा समय पर दवाई लेना जरूरी है। हाय। ये क्या? सिट्रस हर्बल टी? ये नहीं पी सकता। क्यों? शायद इसके अंदर ग्रेपफ्रूट है, इससे इसकी दवाई का असर खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता था। आई एम रियली वेरी सॉरी। साफ करके आती हूं। जरा कोई देखो मुझे, मैं इस लड़की से अपने आप को कैसे दूर करूंगा। चलिए डैड, मुझे पता है आपको दवाइयाँ खाना पसंद नहीं है, पर ये आज की आखिरी दवाइयाँ हैं। चलिए उठिए। काश मुझे पता होता आपकी हालत कैसे हुई। ऐसी हालत में यहां है, अगर दोबारा ऐसा किया तो वो फिर से यहां मेरे पीछे आएगी। कहां रह गई वो? वो तो बाथरूम में ही तो गई थी। मुझे इससे क्या लेना देना, ज्यादा सोचू ही क्यों, कहीं भी हो सकती है। मिस्टर कैमल, क्या तुम अभी भी अपनी पत्नी के पल्ल में छिपे हो? मुझे इतना इंतजार मत करवाओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ।
ये बदमाश ऐसे नहीं सुधरने वाला। इसकी तो मैं भाई, मैंने पेपर साइन करवा दिए, मैं कॉपी लेकर आया हूँ। दाजी रुको, यहाँ पर आओ। जी बोलिए भाई, मुझे कार की चाबी दो। कहीं जाना है तो मैं ले जाता हूँ ना। नारिन ने मुझसे कहा है कि आपको कहीं भी जाना हो तो मैं साथ जाऊं। ताजी, मैंने कहा कार की चाबी दो।